मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं फार्माकोलॉजी को एकदम एग्जाम में कैसे लिखें। यदि मान लेते कुछ भी हमें नहीं आता तो हम पेज भर के कैसे आएं, ये सब सारी जानकारी हम इसमें देखने वाले हैं। मान लेते हमें कोई टॉपिक नहीं आ रहा है यदि फार्माकोलॉजी में, तो उसे हम कैसे एग्जाम में कवर करके आएँ कि विदाउट क्वेश्चन छोड़े आप क्या कर सकते, अच्छे से परफॉर्मेंस कर सकें एग्जाम में, ठीक। उनके बारे में हम यानी चर्चा करने वाले हैं, मतलब सुपर ट्रिक के जरिए आप क्या कर सकते हैं फार्माकोलॉजी में कैसे लिखेंगे, उन सबको हम डिटेल में यहाँ देखने वाले हैं। इसके पहले बात की जाए तो फार्माकोलॉजी देखा जाए तो एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, क्योंकि इसमें हर एक टॉपिक का क्लासिफिकेशन आपको डिटेल में करने की रिक्वायरमेंट जरूरत रहती है भाई, ठीक है। और उसका क्या करना पड़ेगा, पूरा डिटेल में लिखना पड़ेगा, ठीक है। यदि फार्माकोलॉजी की बात की जाए एग्जाम में कैसे आता पैटर्न, तो आपका कितना होते पार्ट, वही जैसे आप फर्स्ट ईयर में किए थे, पार्ट ए हो जाएगा, पार्ट बी हो जाएगा, पार्ट सी। पार्ट ए से आपको टोटल और टोटल 7 क्वेश्चन रहते हैं, किन्हीं 6 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना रहता है, तो गुणे में 5 कर देंगे तो यहां पर कितना हो जाएगा, 6×5=30 नंबर यहां से हो जाने वाला है, ठीक है। और पार्ट बी की बात की जाए तो टोटल और टोटल कितने क्वेश्चन है, तो 11 क्वेश्चन किन्हीं 10 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना रहता है, और हर एक क्वेश्चन कितने नंबर का रहता है, 3 नंबर, तो 10×3=30 नंबर यहां से आपका बन जाने वाला है, ठीक। पार्ट सी की बात की जाए तो टोटल और टोटल 20 नंबर आपका यहां से मिलने वाला है। इसमें एमसीक्यू हो सकता है, फिल इन द ब्लैंक हो सकता है, या आपका एक वर्ड में डिफिनेशन भी हो सकती है, ठीक है, या कोई डिस्कवर क्या किया उसके बारे में हो सकती है। तो इस तरह से देखा जाए तो टोटल 80 नंबर आपको मिल जाने वाला है इस थ्योरी वाले पोर्शन से, 20 नंबर आपके प्रैक्टिकल से, 100 नंबर आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। अब कैसे एग्जाम में आपको क्या करना, कॉपी में लिखना, उसको हमें अपने निंजा टेक्निक से बताते हैं। उसके पहले हम बता देते हैं, यदि एग्जाम में आप हॉल में जाने से पहले अपने अंदर क्या क्या देख लीजिएगा, आपके प्लीज जेब में कुछ भी चीज होनी नहीं चाहिए, नहीं तो आप रिस्टिकेट हो सकते। एक बार खुद अपने एग्जाम हाल से जाने से पहले चेक कर लीजिएगा अपना पूरा जेब वगैरह सारा, और उसके पहले क्या होना चाहिए, पेन आपके पास होना चाहिए एक कंपलसरी, ठीक है, और एक प्याने पेन होना चाहिए, ठीक है, एक ब्लैक कलर का होना चाहिए, एक तुम्हारे पास ब्लू कलर की होनी चाहिए, और एक प्यारा सा क्या होना चाहिए, एक मोटा स्केच आपके पास होना चाहिए, और आपके पास हो सके तो एक ऐसे स्केल होना चाहिए जैसे ये रखा ना लकड़ी का, ठीक है, लकड़ी का वाले, तो स्केल आपके पास घर में नहीं है तो खटिया का जो गोला वोला टूटा रहेगा वो ले जा सकते हैं, कुर्सी टूटा हुआ ले जा सकते हैं, यदि वो भी नहीं है तो क्या कर सकते हैं, क्योंकि आप हम सब लोग इंडियन हैं, क्या करेंगे, ऐसे पेन को रखेंगे और यहाँ से क्या कर देंगे, ऐसे खींच देंगे, एकदम से सीधा लाइन खींचा जाएगी आपकी ऐसे, ठीक है। मतलब जुगाड़ किसी भी तरह से एग्जाम में कॉपी में एकदम से जितना आपके माइंड में है सब कुछ उठा के वहाँ से चिपका देना है, ठीक है, कुछ छोड़ के आने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये हो गया इन सब चीज़ों के बारे में, और एक चीज़ और प्लीज जरूर ले जाइएगा, ठीक है, आपके पास क्या होनी चाहिए, वॉच होनी चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज में घड़ियाँ नहीं होती, वॉच नहीं होती है, ठीक है, तो आपके पास खुद की वॉच होनी चाहिए, उससे आप टाइम मैनेजमेंट कर पाएंगे अच्छे से जिंदगी में। देखिए यदि टाइम मैनेजमेंट आप कर दिए तो आप जिंदगी में एक सक्सेसफुल आदमी हो जाएंगे। तो आपको क्या होना चाहिए, एक वॉच होनी चाहिए, और इस पे निर्धारित समय के अनुसार ही क्या कर देते हैं, अपने कॉपी को पूरा सबमिट कर देना है एकदम अच्छे तरीके से लिख के। मतलब पेन स्केच, पेन दो होना चाहिए, काला होना चाहिए एक नीला, और भी एक्स्ट्रा ले सकते हैं कोई टेंशन नहीं। आपके पास वॉच होनी चाहिए, एक प्यारा सा स्केल होना चाहिए, ठीक, और हो सके तो पेंसिल भी ले सकते हो, और उसके साथ साथ क्या लेना पड़ेगा, आपको एक एडमिट कार्ड लेना कंपलसरी है, ठीक है, एडमिट कार्ड आप प्लीज मत भूलिएगा, ठीक है, क्योंकि इसके बिना आप बाहर निकाले जा सकते हैं, ठीक। और एक चीज और बता दे रहे हैं, ठीक है, और एक चीज बता दे रहे हैं, यदि एग्जाम हॉल में बैठे हैं तो प्लीज आपसे अनुरोध है, जो आपकी कॉपी आती है, क्या कॉपी जो आती है, ठीक है, वो जिस पे आपको साइन करने के लिए, प्लीज आपसे अनुरोध है, उसे आप प्लीज मत छोड़िएगा, इतनी बार प्लीज बोल चुके हैं, क्योंकि हमारे व्हाट्सएप पे देखेंगे ऐसे कईयों स्टूडेंट हैं जो क्या कर दिए हैं वहाँ पर, मतलब यानी पेपर तो अटैम्प्ट किए थे मगर वो जो स्लिप आती उस पर साइन नहीं किए थे उनके, यानी रिजल्ट पे क्या लिख दिया गया, फेल लिख दिया गया। तो प्लीज़ ऐसा आप कुछ भी मत करिएगा, ठीक है, एकदम ध्यान पूर्वक उन पे साइन करिएगा, ठीक है। ये हो गया इन पे। अब कॉपियाँ कैसे लिखनी उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। आपके सामने ऐसी कॉपी बन के आएगी, आपका ऊपर ऐसे रहेगा और ये साइड में ऐसे लाइनअप रहेगी, उसमें आपको कुछ लाइन वगैरह करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। यदि मान लेते हैं पार्ट ए आप अटैम्प्ट करते हैं या पार्ट बी पार्ट सी कुछ भी करिए, मतलब जो आपके फुल्ली कॉन्फिडेंस के साथ जो क्वेश्चन आता है उसी को आप अटैम्प्ट करिए। मान लेते हैं पार्ट ए आपको आता है तो ठीक है, यहाँ से आप हेडिंग डालेंगे, क्या हो गया,
पार्ट ए, ऐसे आपको क्या कर देना है, पार्ट ए हेडिंग डालना है, ठीक है। मान लेते पार्ट ए का कोई भी क्वेश्चन आता, पहला दूसरा चौथा सातवां आठवां कुछ भी आता, उससे लेना देना नहीं है, ठीक। जो फुल्ली कॉन्फिडेंस के साथ आता, दो तीन पेज उसी को आप अच्छे से करिए। जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन आपको कैसे लिखना है, यहां से आपको क्या लिखना है क्वेश्चन, और यहां से क्या लिखना है आंसर, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे कर देना, ठीक। मान लेते पहला क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आप पहले क्वेश्चन को यहां लिख देंगे। मान लेते पहला क्वेश्चन कह दिया है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द एंटी अल्सर ड्रग्स, मतलब कुछ भी पूछ सकता है, क्योंकि यहां पर तुम्हारे पास फार्माकोलॉजी मोस्ट ऑफ द वर्ड पे क्लासिफिकेशन है। तो आपको जैसे मान लेते एंटी अल्सर ड्रग्स आ गया, तो आप प्लीज क्वेश्चन नोट डाउन करिएगा, सीधे आप क्या लिखिएगा यहां से, एंटी अल्सर ड्रग है ना, तो यहां से क्या लिखिएगा एंटी अल्सर, ठीक है, एंटी अल्सर ड्रग्स आप हेडिंग डाल देंगे, ठीक है। एंटी अल्सर ड्रग्स आप हेडिंग यहां से डाल देंगे, ऐसे प्यारा सा स्केच से डाल देंगे, अंडरलाइन करेंगे, देखिए चमक रहा है, मतलब बूढ़ा यदि एग्जामिनर होगा तब भी कहेगा हाँ बेटवा लिख ले तो बाड़ा हो मर्द एकदम जानदार, ठीक है। तो ऐसे आपको क्या कर देना है, लिख देना। उसके बाद क्या कर देना, ब्लैक पेन जो आप ले गए हैं उसी से क्या कर देंगे, ऐसे करके उसकी डिफिनेशन यहां से लिख देंगे, उसकी क्या कर देंगे डिफिनेशन एकदम अच्छे तरीके से आपको क्या कर देंगे, लिख देंगे। क्या होता है, एंटी वर्ड कहीं भी लगा रहे तो समझ लो उसके अगेंस्ट वर्क करेगा। आपको कुछ भी यदि मान लेते हैं डिफिनेशन फिक्सेशन कुछ नहीं आता किताबी भाषा, तो लिख देंगे हिंदीयम लिखेंगे या इंग्लिशियम लिखेंगे, ठीक है। तो जैसे मान लेते हैं आपको यहां लिखने की जरूरत है, ठीक है, लिखने की जरूरत है, तो कैसे लिखेंगे एंटी अल्सर ड्रग्स, तो यहां पर लिखेंगे दोज सब्सटेंस, ठीक है, दोज सब्सटेंस, ठीक है, दोज सब्सटेंस विच आर यूज टू, ठीक है, विच आर, ठीक है, विच आर यूज टू, ठीक है, यूज टू ट्रीटमेंट ऑफ, ट्रीटमेंट, ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ अल्सर, ट्रीटमेंट ऑफ अल्सर, ठीक है, इज कॉल्ड, ठीक है, इज नोन एज या इज कॉल्ड तुम्हारे पास एंटी अल्सर ड्रग्स, क्या हो जाएगी एंटी अल्सर ड्रग्स हो जाएगी। ये आपकी प्यारी से क्या हो गई है, डिफिनेशन हो गई है, ठीक। ये आपको क्या हो गया, एक डिफिनेशन लिख दिया। अब एंटी अल्सर के बारे में जो भी कुछ पता है आप पॉइंट वाइज में यहां लिख सकते हैं, अल्सर पेट में हो सकता है, ठीक है। तो वही चीज क्या हो गया, यदि अल्सर पेट में होगा, हमारे पेट में होगा तो उसे गैस्ट्रिक अल्सर बोला जाता है, ठीक है, यदि ड्यूडिनम में होगा तो ड्यूडिनम अल्सर बोला जाता है, ठीक है। तो ऐसे आपको क्या करना है, दो तीन पॉइंट जो आता है आपको छाप देना। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, आपको यहां से प्यारा सा ऐसे फिनिश के उठाइएगा, यहां से क्या करना पड़ेगा, ऐसे आप प्यारा प्यारा से क्या लिखिएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ, ठीक है, यहां से क्या लिखिएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी अल्सर ड्रग्स, क्या हो जाएगा एंटी अल्सर ड्रग्स, ठीक। आप हेडिंग बता रहे हैं, हेडिंग के अंदर आपको क्या क्या लिखना है, आपको ऐसे छोड़ देना, मान लेते कुछ भी नहीं आता तो ऐसे छोड़ देना, ठीक, ये हो गया। उसके बाद आप क्या लिखना पड़ेगा, ठीक है, आपको बताया गया होगा, ठीक है, आपको बताया गया, ये हो गया। उसके बाद आप फार्माकोलॉजी पढ़ते होंगे तो उसमें क्या बताया जाएगा, फार्माको, ठीक है, यहां से क्या हो जाएगा, फार्माकोलॉजिकल, ठीक है, फार्माकोलॉजिकल एक्शन, मतलब कौन सी दवा कहां पर जाके काम करती है, ये हेडिंग डालिएगा। उसके बाद हेडिंग क्या डालिएगा, इंडिकेशन, क्या डालिएगा, इंडिकेशन, मतलब एंटी अल्सर ड्रग्स का उपयोग कहां होता है, ये हेडिंग डालिएगा। उसके बाद क्या लिखना पड़ेगा यहां से, ठीक है, कंट्रा, ठीक है, कंट्रा इंडिकेशन, ठीक है, कंट्रा इंडिकेशन के बारे में यहाँ हेडिंग डालिएगा, इसमें दो तीन पॉइंट लिखिएगा, और लास्ट में क्या हेडिंग डालिएगा, आपको डोज लिखना पड़ेगा। ये तो हमने एक पेज में किया, यदि मान लेते लॉन्ग में आता तो इसी को आपको दो पेज में करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप बताइए, यदि आप ऐसे हेडिंग डाल दिए ब्लैक पेन से, तो आपके जो भी नीला पेन है इसी के अंदर जो भी आपके मन में आता छापते छापते चले जाइए, ठीक है। तो इतना तो बता ही सकते हैं कि इसका उपयोग है भाई तू, ठीक है, इसका तो बता ही सकते हैं कि यानी ये जो है इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है, एंटी अल्सर ड्रग का अल्सर को ट्रीट करने के लिए किया जाता है, और कहाँ पर नहीं किया जाता। और देखिए याद रखिए, कहाँ पर नहीं किया जाता, मान लेते कॉन्ट्रा इंडिकेशन में कोई भी दवा हो, कोई भी दवा आपको कुछ नहीं पता, तो आप सबसे पहले लिख दीजिएगा कि तुम्हारे पास क्या हो गया, कोई कार्डियक पेशेंट है, ठीक है, तब आप नहीं दे सकते, क्योंकि ये फिजिशियन डिस्क्राइब कर यानी प्रिस्क्राइब करता कि कार्डियक पेशेंट को कौन सी मेडिसिन देनी है, पहला हो गया। दूसरा क्या होगा, कोई प्रेगनेंसी वोमेन है, ठीक है, प्रेगनेंसी वोमेन है, उसमें भी प्लीज आप कोई भी दवा नहीं चला सकते, ठीक है। और तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, तो यही परसेंटेज बना के लिखना, एवॉइड कार्डियक पेशेंट, एवॉइड प्रेगनेंसी, कोई पर यानी फीमेल तुम्हारे पास लैक्टेशन कर रही है, लैक्टेशन मतलब अपने बच्चे को दूध पिला रहे, तो उसे भी आप मेडिसिन नहीं दे सकते। ये दो तीन पॉइंट आप पूरी बुक में पढ़ेंगे तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन में छपा रहने वाला है, ठीक है, ये हो गया। अब डोज क्या हो गया, अब क्लासिफिकेशन जो आप किए हैं उसमें से आप दवा को उठा के लाइए यहां पर चिपका दीजिए, ठीक है। जैसे मान लेते हैं, ठीक है,
एंटी अल्सर है तो हम मान लेते हैं इसका तुम्हारे पास यानी चार पांच होता है, ठीक है। एक तुम्हारे पास क्या होता है एंटी, ठीक है, एंटी सेक्रेटरी, ठीक है, एंटी सेक्रेटरी एंटी यानी एजेंट होते हैं, ठीक है। ये हमारा पहला क्लासिफिकेशन। दूसरा क्या सुने होंगे, एंटासिड का नाम सुने होंगे। तीसरा तुम्हारे पास क्या होगा, अल्सर, ठीक है, अल्सर प्रोटेक्टिव का नाम सुने होंगे, ठीक है, अल्सर प्रोटेक्टिव का नाम सुने होंगे। और तुम्हारे पास क्या लिख दिया है, एंटी हेलिको, ठीक है, एंटी हेलिको वैक्टर पाइलोरी का नाम सुने होंगे, ठीक है। यहां से क्या हो जाएंगे, पाइलोरी का नाम सुने होंगे, ठीक, ये हो गया। अब ये तुम्हारे पास ऐसे प्लीज यहाँ से ऐसे अंडरलाइन कर दीजिएगा, ठीक है। यदि आप नीला से लिए हैं लिखे हैं तो काला से करिएगा, काला से लिखे हैं तो नीला से ऐसे क्या करिएगा, बॉक्स बना दीजिएगा, इससे लगेगा देखने में। और यहाँ पर यदि नीला से लिखे हैं तो आप यहाँ से काले से एक एक एग्जाम्पल प्लीज आप एक एक एग्जाम्पल याद रखिएगा तब भी चल जाएगा, मतलब बहुत याद याद है तो आपको बहुत अच्छी बात है। जैसे इसमें मान लेते हैं क्या लिख देते हैं, सिमिटी, ठीक है, सिमिटीडीन हो जाएगा, ये पहला एग्जाम हो जाएगा। अब रेंटीडीन हो जाएगा, यहाँ से रेंटीडीन हो जाएगा, ठीक है, रेंटीडीन हो जाएगा। अब एंटासिड में तुमसे सुने सोडियम यानी सोडियम बाइकार्बोनेट Na2CO3 जिस, और दूसरा क्या होगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसे मिल्क ऑफ, ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है, ये बोला जाता है, ठीक है, MgOH का होल ट्वाइस दे देते हैं, ठीक है, इसे हम इनो के नाम से जानते हैं, ठीक है भाई तू यहां चपले, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं, यानी इसमें तुम क्या लिख सकते हो, सुक्राफेराल यूज कर सकते हैं, सुक्राल, ठीक है, सुक्राफेराल यूज कर सकते हैं। और एंटीबायोटिक है तो क्या हो जाएगा, जाहिर सी बात एमोक्सिसिलिन का प्रयोग करने वाले हैं। तो ये हो गया क्लासिफिकेशन, एक एक एग्जांपल लेके छोड़ दीजिए। फिर आप यहां से नीचे आइए डोज वाले पे, जो लिखे हैं भैया यही आप क्या कर दीजिए, लिख दीजिए। जैसे मान लेते हैं हम रेंटीडीन लिख दिए, ठीक है, रेंटीडीन लिख दिए, ठीक है, रेंटीडीन लिख दिए। आपको नहीं पता कि कितना एमजी का होता है तो कोई टेंशन नहीं, टेंशन लेने का नहीं, बोल दे दोबारा, ये क्या कर दिया, बीडी चला दिया, मतलब दो टाइम। उसी तरह से जो दो तीन ड्रग्स का नाम है यहां लिख दीजिए, काम खत्म। ये तो हो गया इनके बारे में। और क्या होगा, ऐसे सब तुम छाप देना, ठीक है, सब तुम छाप देना तो अपना काम बन जाएगा। तुम किसी भी साल का पेपर उठा देख सकते हो, हम 2023 का आपको पेपर दिखा देते हैं, ठीक है, पेपर दिखा देते हैं तो उसे कैसे अटेम्प्ट करना, यहां से देखिए। सबसे पहले तुमसे लिखा है, देखो क्या लिखा है, ठीक है, यानी कोलिनर्जिक तथा एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स, इसकी परिभाषा, क्लासिफिकेशन, दवा का नाम, खत्म। जनरल एनेस्थीसिया क्या होती है, फिर क्लास लिखा है एडवांटेज ऑफ, यानी जनरल एनेस्थीसिया, इसकी डिफिनेशन, क्लासिफिकेशन। हाइपरटेंशन क्या होता है इसका, ठीक है, इसकी डिफिनेशन देंगे, क्लासिफिकेशन बोलबा किया तो आपको लिख देना है। हीमेटेनिक्स क्या होता है इसके बारे में लिख के एंटी कोगुलेंट ड्रग्स का क्लासिफिकेशन भी लिखा है तो लिख देना, ठीक है। ऐसे जैसे ब्रोंकोडाइलेशन, मतलब इसका डिफिनेशन और इसका क्लासिफिकेशन लिख देना, ठीक है। तो मतलब इसमें देखा जाए तो इस तरह से देखा जाए तो सबका क्लासिफिकेशन आपको करना है। मान लेते हैं देखो आपको क्लासिफिकेशन नहीं आता तो हेडिंग मत डालिएगा भाई, ठीक है। और याद रखिए दो तीन चीजें और बता देते हैं आपको, यहीं पर बता देते हैं, दूसरे पेज पे ऐसे पलट के यहां आइएगा, ठीक, इसमें क्या लिखिएगा, देखिए सबसे पहले जितना वर्ड आपके, ठीक है, बुक में है उस वर्ड की क्या करनी पड़ेगी, आपको डिफिनेशन रखना पड़ेगा याद। उसके लिए हम एक क्या करेंगे, सेपरेट वीडियो बना देंगे, आपको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक। प्लीज सबकी डिफिनेशन, केवल डिफिनेशन एंटी वाला, जैसे मान लेते हैं एंटी ट्यूबरकुलर क्या होता है, एंटी मलेरियल ड्रग्स क्या होता है, ऐसी दवा जो मलेरिया के प्रति उपयोग करते हैं उसे एंटी मलेरियल ड्रग्स बोलते हैं, टीबी के वर्क अगेंस्ट वर्क करता है तो टीबी ड्रग्स बोले जाते हैं। तो ये सब आपको क्या कर देंगे, ऐसे डिफिनेशन प्लीज आप एक बार कॉपी से जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आप मान लेते हैं उस चैप्टर का, जैसे एंटी मलेरियल ड्रग्स 5-7 दवा का नाम याद कर लीजिए, एग्जाम्पल में कुछ भी नहीं आता तो उसके नीचे कुछ भी इधर उधर करके चिपका दीजिए, मगर छोड़ के आना नहीं है, ठीक है। ये हो गया, आप ये आपका लिखने की एकदम प्यारी सी टेक्निक है। और चीजें बता देते हैं, एग्जाम में जाने से पहले क्या होनी चाहिए, प्रॉपर आपकी क्या होनी चाहिए, स्लीपिंग व्यवस्था होनी चाहिए, मतलब एकदम बरियार से सो के जाइए, जैसे भैंसा का लेखन सो के जाइए, कोई टेंशन नहीं, ठीक है, नहीं कहते घोड़ा बेच के सो रहा है, ठीक है। तो मतलब एकदम अच्छे तरीके से स्लीपिंग होनी चाहिए, कम से कम आपका 7 से 8 घंटा, जिससे हमारे पास ब्रेन अच्छे से वर्क करे, ये पहली कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या करिए, ठीक, इस यानी एग्जाम में जाने से पहले क्या करिए, अपना फेवरेट करिए सॉन्ग को एकदम अच्छे से प्ले करके सुनिए, प्लीज सैड सॉन्ग मत सुनिएगा, ठीक है, नहीं तो कितने लोग सैड सॉन्ग सुनेंगे, हमको तो बहुत कचरा लगता है सैड सॉन्ग, मतलब सॉन्ग एकदम मजे तरीके से लिखिएगा, अपना फेवरेट कुछ भी हो, चाहे भोजपुरी हो, ठीक है, जैसे हम सब लोग हैं, हम सब लोग देहाती आदमी तो भोजपुरी रहेगी, ठीक। तो भोजपुरी गाना को क्या करिए, एकदम 5 से 7 मिनट एकदम मूड फ्रेश करके सुनिए, फिर एग्जाम हॉल में जाइए, एकदम फोड़ के आइए, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर दोस्तों।